मसूरी, जिसे पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। मसूरी का नाम यहाँ की झाड़ी मंसूर के नाम से भी रहा है, इसीलिए अक्सर मसूरी को मंसूरी भी कहा जाता है। दोस्तों, आज की इस खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको पहाड़ों की रानी मसूरी के बारे में बताने वाला हूँ और साथ ही साथ मसूरी टूर की हर एक छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। अगर आप भी मसूरी आने वाले हैं तो ये वीडियो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आप मसूरी कैसे पहुँच सकते हैं, आपको होटल कहाँ पर लेना चाहिए, मसूरी में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, यहाँ खाने पीने की क्या व्यवस्था है, और लास्ट में हम बात करेंगे मसूरी घूमने में कुल एक व्यक्ति का कितना खर्चा होगा। तो मसूरी टूर की हर छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, मसूरी बहुत ही प्यारा हिल स्टेशन है और पूरे साल करोड़ों टूरिस्ट मसूरी में एंजॉय करने के लिए आते हैं। मसूरी में आपको टेम्पल, गार्डन्स और वाटरफॉल्स और एडवेंचर एक्टिविटीज के साथ साथ प्यारे प्यारे सीनिक व्यू भी देखने को मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं आप मसूरी कैसे पहुंच सकते हैं। मसूरी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से 35 किलोमीटर की दूरी पर है और दिल्ली से इसकी दूरी लगभग 300 किलोमीटर है। अब हम बात करते हैं, अगर आप यहाँ ट्रेन से आना चाहते हैं तो मसूरी का सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन देहरादून का है। सभी बड़े प्रमुख रेलवे स्टेशनों से डायरेक्ट आपको देहरादून के लिए इजीली ट्रेन मिल जाती है। देहरादून रेलवे स्टेशन के बाहर से आपको मसूरी के लिए शेयरिंग टैक्सी भी मिल जाती है, जो आपसे 100 से 150 रुपए चार्ज करते हैं। अगर आप रिजर्व प्राइवेट टैक्सी से आना चाहते हैं तो टैक्सी वाले आपसे 1000 से 1200 रुपए चार्ज करते हैं। अगर आप बाई बस देहरादून से मसूरी जाना चाहते हैं तो रेलवे स्टेशन से 50 मीटर पर ही पर्वतीय डिपो बस स्टैंड है। यहाँ से आपको हर 25 से 30 मिनट में डायरेक्ट मसूरी के लिए बस मिल जाती है। बस में आपसे 85 रुपए का चार्ज करते हैं। बस आपको मसूरी के लाइब्रेरी चौक या पिक्चर पैलेस पर छोड़ देती है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मसूरी के लाइब्रेरी चौक पर ही उतरें। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आप देहरादून के जोली ग्रांट एयरपोर्ट तक आ सकते हैं और एयरपोर्ट से बस या टैक्सी के माध्यम से आप मसूरी तक पहुँच सकते हैं। मसूरी घूमने का सबसे अच्छा टाइम गर्मियों का रहता है, क्योंकि चिलचिलाती गर्मी से राहत पाने के लिए अक्सर का टूरिस्ट मार्च से जून तक यहाँ आना पसंद करते हैं। यह यहाँ का पीक सीजन होता है। अगर आपको स्नोफॉल पसंद है तो आप विंटर में भी मसूरी विजिट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपको मसूरी में होटल कहाँ पर लेना चाहिए। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लाइब्रेरी चौक से पिक्चर पैलेस के रास्ते में होटल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मॉल रोड पर कोई भी कॉमर्शियल व्हीकल अलाउड नहीं है, तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप होटल मॉल रोड से हटकर लें, उससे आपको दो फायदे होंगे। आप अपने होटल तक स्कूटी या कार के माध्यम से पहुंच सकते हैं और दूसरा फायदा, आपको होटल भी सस्ते मिल जाएंगे। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आप होटल में भी स्टे कर सकते हैं। यहाँ होटल आपको 1000 से 2000 के बीच में मिल जाते हैं। अगर आप सोलो या फिर फ्रेंड के साथ जा रहे हैं तो आप हॉस्टल में भी स्टे कर सकते हैं। यहाँ हॉस्टल आपको 400 रुपए से लेके 600 रुपए के बीच में मिल जाता है। आज हम सबसे पहले आपको लेके चलेंगे केम्प्टी वाटरफॉल, जो कि मेन मसूरी से समथिंग 14 किलोमीटर की दूरी पर है। ये सामने है केम्प्टी फॉल का मेन एंट्री गेट। यहाँ से हम लोगों को नीचे की ओर चलना है। नीचे आने के बाद रोपवे टिकट काउंटर बना हुआ है। अगर आप रोपवे से जाना चाहते हैं तो रोपवे से 200 रुपए देकर भी आप जा सकते हैं। अगर आप चल सकते हैं तो आप सीढ़ियों से भी केम्प्टी फॉल तक पहुंच सकते हैं। यहां पर आप बहुत ही प्यारा सा वाटरफॉल देख सकते हैं, जिसके नज़ारे आपका दिल खुश कर देंगे। आप खुद को यहां फोटो शूट करने से रोक नहीं पाएंगे और आप यहां वाटरफॉल में नहा भी सकते हैं। ये बहुत ही प्यारी जगह है। मसूरी आने वाला हर टूरिस्ट केम्प्टी फॉल पर आता है, आपको भी यहाँ पर जरूर आना चाहिए। अब यहाँ इंजॉय करने के बाद हम लोग मसूरी के लिए निकलेंगे। मैं बता दूं आपको, मैंने ये स्कूटी रेंट पे ली थी एक्सेस, और इसका जो मेरे को पड़ा था पर डे का 500 रुपये पड़ा था। ये मैंने ली थी गांधी चौक के पास से। आप भी ले सकते हैं, उसके लिए आपके पास कंपलसरी ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड होना जरूरी है। केम्प्टी फॉल से मसूरी के रास्ते में ही पड़ता है सुंतरा देवी टेम्पल, आप यहाँ भी घूम सकते हैं। ये मंदिर एक बहुत ही प्यारी से जगह पर बना हुआ है। मंदिर तक जाने के लिए आपको थोड़ी सी चढ़ाई करनी पड़ेगी। यहाँ आकर आप दर्शन तो कर ही सकते हैं, दर्शन के साथ साथ यहाँ से देखने वाले व्यू को भी इंजॉय कर सकते हैं। आपको यहाँ से पूरी वैली का व्यू देखने को मिलेगा। सुंतरा देवी टेम्पल से मसूरी के वापसी के रास्ते से मैं मुड़ गया कंपनी गार्डन के लिए। अब हम लोग पहुंच चुके हैं कंपनी गार्डन। दोस्तों, यहाँ पर 50 रुपए का एंट्री टिकट लगता है। कंपनी गार्डन एक बहुत ही प्यारा
सा खूबसूरत सा गार्डन तो है ही, साथ में आप यहाँ पर वोटिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर बहुत सारा एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक फूड कोर्ट भी बना हुआ है जहाँ पर बैठकर आप कुछ भी खा पी सकते हैं। सो दिस इज ए कंपनी गार्डन, जस्ट हमारे पीछे एक देख रहे हैं आप झूला, और झूला ही नहीं यहाँ पर, और इस साइड हमारे पीछे मिल जाएगा आपको छोटा सा वाटरफॉल, वो भी देख सकते हैं, और इस साइड है फाउंटेन, वो भी देख सकते हैं। आप यहाँ पर वोटिंग कर सकते हैं और देख सकते हो गार्डन यार कितना प्यारा गार्डन है। और जो देवदार के पेड़ हैं ये हमारे चारों तरफ, उन्होंने इस गार्डन को और भी खूबसूरत बना दिया है। यहाँ बच्चों के इंटरटेनमेंट के लिए आप 3D 4D सिनेमा हाउस है, हंटेड हाउस है, और काफ़ी सारे झूले भी हैं। कंपनी गार्डन के पास से ही एक रास्ता जाता है ढलाई हिल्स के लिए, इसके रास्ते बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। यहाँ जाने के लिए थोड़ा सा आपको पैदल चलना पड़ेगा। ढलाई हिल से आपको बहुत ही अमेजिंग और प्यारा व्यू देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही आप पूरी वैली के व्यू भी देख सकते हैं, और शाम के टाइम अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको बहुत ही प्यारा सा सनसेट भी देखने को मिलता है। तो अगर आप सनसेट देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर शाम के टाइम आना चाहिए। इन प्लेस को कवर करते हुए आपको शाम हो जाएगी तो हम अपने वापस होटल में चलेंगे। उस टाइम आराम करने के बाद हम लोग मसूरी की खूबसूरत मॉल रोड पर घूमने के लिए निकलेंगे। दोस्तों मसूरी की मॉल रोड लाइब्रेरी चौक और पिक्चर पैलेस को जोड़ती है, जो समथिंग 3 से 4 किलोमीटर लंबी है। आप यहां पर बहुत सारी मस्ती कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, और यहां के लोकल स्ट्रीट फूड को भी एंजॉय कर सकते हैं। काफी खुशबूदार सा ये रूम है, और देख सकते हो आप लोग एक रूम में आपको 6 बेड मिलने वाले हैं। एक्चुअली ये डॉर्म है तो आपको ये 6 बेड मिलेंगे, और यहीं पर आपको 6 लॉकर भी मिल जाएंगे। और चलते हैं देखते हैं यार वॉशरूम कैसा है। ओह काफ़ी नीट एंड क्लीन वॉशरूम है, गीजर भी मिलने वाला है, और देख सकते हो वहाँ मिरर भी मिलने वाला है। रूम में अगर थोड़ी बहुत कमी होती है तो चल जाता है, लेकिन वॉशरूम अच्छा होना चाहिए। और यहाँ का जो वॉशरूम है वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा है। और हॉस्टल से जो व्यू आता है यार वो भी दिखा देता हूँ यार कि कितना प्यारा व्यू आता है यहाँ से। तो आप लोग ये भी देख सकते हैं कि कितना प्यारा व्यू आ रहा है हॉस्टल से। और अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो मैंने ये हॉस्टल लिया है ये गांधी चौक के जस्ट पास ही है, और अल्टवज के नाम से है। यहाँ आप 600 से 700 रुपये पर नाइट देकर रुक सकते हैं। आज जाने वाले हैं सबसे पहले भट्टा फॉल के लिए, और धूप बड़ी ही चटकदार वाली है, और स्कूटी से जाएंगे वहाँ तक। अब हम लोग अगली सुबह निकलेंगे मसूरी के सबसे फेमस प्लेस भट्टा फॉल के लिए, जो कि मेन मसूरी से समथिंग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। जो टूरिस्ट मसूरी घूमने के लिए आते हैं वो भट्टा फॉल जरूर घूमने जाते हैं। भट्टा फॉल तक जाने के लिए आपको मेन रोड से नीचे तक जाना होता है। यहाँ आप रोपवे के थ्रू भी जा सकते हैं। हम बात करते हैं रोपवे के टिकट की, तो 250 रुपये में वो आपसे राउंड ट्रिप का चार्ज करते हैं। अगर आप वन साइड जाना चाहते हैं तो आपको 150 रुपये का चार्ज करते हैं। अगर आपके पास बाइक या स्कूटी या फिर कार है तो आप इसके थ्रू भी नीचे तक जा सकते हैं। यहाँ पर आप रोपवे के थ्रू आते हैं तो आपसे एंट्री टिकट नहीं लिया जाता है। अगर आप बाइक स्कूटी या कार के थ्रू भट्टा फॉल तक जाते हैं तो आपको 50 रुपये का एंट्री टिकट लगता है। यहाँ पर आपको बहुत सारे नेचुरल वाटरफॉल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप पानी में बैठकर कुछ खा सकते हैं, पी सकते हैं, और वाटरफॉल को एंजॉय कर सकते हैं। वाटरफॉल्स के पास ही एक एडवेंचर पार्क है जहाँ पर आप बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, और आप यहाँ पर वोटिंग भी कर सकते हैं। अब यहाँ घूमने के बाद हम चलेंगे जॉर्ज एवरेस्ट के लिए, जो कि मेन मसूरी से 5 किलोमीटर की दूरी पर और भट्टा फॉल से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस 15 किलोमीटर के सफर में आपको बहुत ही प्यारे नज़ारे देखने को मिलेंगे, और आप इन नज़ारों को देखते हुए पहुंच जाएंगे जॉर्ज एवरेस्ट। यहां पर पार्किंग भी बनी हुई है। बाइक का आपको 100 रुपये का चार्ज करना पड़ता है। अगर आप कार से आते हैं तो आपको 200 रुपये चार्ज करना पड़ता है। जॉर्ज एवरेस्ट जाने के लिए आपको 200 रुपये का टिकट लगता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। अब टिकट लेने के बाद आप ये ट्रैक स्टार्ट करेंगे। ये ट्रैक समथिंग 2.5 किलोमीटर का होता है। इस ट्रैक को करने में आपको 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। जब आप जॉर्ज एवरेस्ट की पीक पर पहुंच जाएंगे तो आपको यहां से बहुत ही शानदार पूरी वैली का व्यू देखने को मिलेगा, और यहां से आप पूरी मसूरी के भी व्यू देख सकते हैं। अगर आप शाम को आते हैं तो आपको यहां से बहुत ही प्यारा सनसेट भी देखने को मिलता है। जॉर्ज एवरेस्ट घूमने के बाद अब हम लोग चलेंगे मसूरी के सबसे फेमस प्लेस गन हिल्स के लिए। गन हिल्स का रास्ता मसूरी के मॉल रोड से जाता है।
गन हिल्स आप रोपवे के थ्रू भी जा सकते हैं। रोपवे के राउंड ट्रिप का चार्ज आपको 220 रुपए पर पर्सन देना होता है। अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो 25 से 30 मिनट पैदल चलकर भी आप गन हिल्स पहुंच सकते हैं। गन हिल्स पर आपको ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, आप यहाँ थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर बने शनि मंदिर में भी आप दर्शन कर सकते हैं। अगर आप शाम को यहाँ आते हैं तो आपको बहुत ही प्यारा सनसेट भी देखने को मिलता है और आप यहाँ से पूरी मसूरी के व्यू भी देख सकते हैं। तो आपको यहाँ भी जरूर आना चाहिए। ये सब जगह घूमने में शाम हो जाएगी। अब हम सब लोग चलेंगे अपने होटल में और रात में होटल में आराम करने के बाद सुबह निकलेंगे धनोल्टी के लिए। धनोल्टी मेन मसूरी से 34 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। धनोल्टी आप वाई बस या वाई टैक्सी के थ्रू भी जा सकते हैं, बट इस रोड ट्रिप का असली मजा बाइक या स्कूटी से ही आता है, क्योंकि कड़कड़ाती ठंड में गर्माहट भरी धूप का सामना होता है, तो बस स्कूटी में ब्रेक लगाकर इन वादियों में खो जाने का दिल करता है। इस 34 किलोमीटर सफर में आपको बहुत ही प्यारे और खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। इस सफर में 1.5 से 2 घंटे बाइक चलाने के बाद आप पहुंच जाते हैं धनोल्टी के इको पार्क में। इको पार्क में जाने के लिए आपको 50 रुपए की एंट्री टिकट लगती है। एंट्री टिकट लेने के बाद हम चलेंगे पार्क में, जहां पर आप मस्ती कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। इस पार्क में आपको देवदार के पेड़ देखने को मिलेंगे और बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए कुछ झूले देखने को मिलेंगे, आप यहां एंजॉय भी कर सकते हैं। इको पार्क घूमने के बाद अब हम लोग चलेंगे सुरकंडा देवी टेम्पल के लिए, जो कि इको पार्क से समथिंग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जब आप सुरकंडा देवी टेम्पल पहुंच जाओगे तो यहां पर आपको छोटी सी मार्केट भी देखने को मिलती है, जहां आप प्रसाद ले सकते हैं। मंदिर तक जाने के लिए आप रोपवे के थ्रू भी जा सकते हैं, आप पैदल भी मंदिर तक जा सकते हैं। रोपवे का राउंड ट्रिप का चार्ज आपको 205 रुपए लगता है। अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो 1 से 1.5 किलोमीटर चढ़ाई करने के बाद आप मंदिर तक पहुंच जाओगे। यहां पर चढ़ाई थोड़ी सीधी है तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो सकती है। यहां आके आपको ऐसा लगेगा कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। यहां की कहानी भी है, जब भगवान शिव माता सती का पार्थिव शरीर लेकर कैलाश पर्वत जा रहे थे तो उनका सर यहाँ पर गिर गया था, तब से यहाँ का नाम सुरकंडा देवी टेम्पल है। यहाँ पर बहुत ही प्यारा मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर दर्शन करके आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ दर्शन के साथ साथ आपको व्यू भी देखने को मिलेगा। यहाँ दर्शन करने के बाद हम चलेंगे वापस मसूरी के लिए। अगले दिन आप मसूरी से देहरादून और देहरादून से अपने घर के लिए भी जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बजट की। दोस्तों मैं मान के चलता हूँ आप कम से कम 2 लोग एंजॉय करने आएंगे ही आएंगे, क्योंकि 2 लोग में बजट डिवाइड हो जाता है। अब हम बात करते हैं मसूरी में कितने दिन का टूर प्लान करना चाहिए। आपके पास कम से कम 3 दिन और 2 नाइट का समय होना ही चाहिए। इतने में आप ऑलमोस्ट मसूरी के मेन प्लेसेस कवर कर लेंगे। अगर आपके पास 1 दिन और एक्स्ट्रा है तब आप 4 दिन 3 नाइट का भी प्लान बना सकते हैं, जिससे आप धनोल्टी भी कवर कर लेंगे। मसूरी में आपको अच्छा होटल 1500 रुपए में मिल जाएगा। 3 दिन आपका होटल का हो गया, यानी 4500 रुपए आपका होटल का हो गया। अगर आप मसूरी स्कूटी से कवर करेंगे तो यहाँ पर आपको स्कूटी 500 से 600 रुपए पर डे में मिल जाती है। 3 दिन के लिए आपको स्कूटी लेनी पड़ेगी, जिसका चार्ज आपको 1500 रुपए देना पड़ेगा, और 300 रुपए के पेट्रोल में आप मसूरी पूरा अच्छे से घूम लेंगे। अब हम बात करते हैं मील्स की, तो 3 दिन का आपका 2000 रुपए बहुत ज़्यादा है 2 लोगों के खाने के लिए, जिसमें आप खा पी सकते हैं। टोटल हो गया आपका 4500 रुपए होटल का प्लस 1500 रुपए स्कूटी का, यानी हो गया 6000, और 300 रुपए आपका पेट्रोल का, यानी 6300 रुपए हो गया, और 2000 रुपए आपका खाने का, तो हो गया आपका 8500 रुपए। 9000 से 10000 में आप 2 लोग मसूरी की ट्रिप बहुत ही अच्छे में घूम सकते हैं। यहाँ आप टूर पैकेज के भी थ्रू घूम सकते हैं। अगर आपका बजट है तो आप टूर पैकेज भी ले सकते हैं। अगर अभी भी आपको कुछ क्वेश्चन या डाउट है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।